हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड्स प्लानिंग में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने कैसा मूव किया है। आगे जाने से पहले देखेंगे कि कल का ये जो वीडियो है हमारा 14 नवंबर का, उसमें हमने क्या कहा था और आज मार्केट ने कैसा किया है, उसके लिए थोड़ा सा रिप्ले दिखाते हैं उसका। कल मार्केट ऊपर कहीं यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए और नीचे आके इस ट्रेंड लाइन को ट्राई करे कि यहाँ पे टच करने का कुछ ट्राई कर दे, कुछ इस तरह से भी कर सकता है। एक छोटी सी कैंडल आके एक हैमर कैंडल यहाँ पे बन सकती है, उस हिसाब से यहाँ पे हम हैमर कैंडल का ऐसे लगा के आगे का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन पहले क्या कहा था भाई, यहाँ पे आने दो पहले और यहाँ पे एक एसएल लगा के हैमर कैंडल का हम आगे का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर कहीं मार्केट यहीं पे ओपन हो जाए और इस ट्रेंड लाइन पे आ जाए और यहाँ पे ऐसा घूम के कुछ इस टाइप से कैंडल बना दे और उसको आगे को ब्रेक कर दे, आगे की साइड उसको ब्रेक कर दे, तो हम इसे के नीचे का एक एसएल लगा के इस कैंडल का हम यहाँ पे ट्रेड बना देंगे। तो वो ये कैंडल यहाँ पे बनी थी, ठीक है, हमने इसका एसएल लगा के ट्रेड वहाँ पे क्रिएट किया था इस ग्रीन वाली कैंडल में, ठीक है। वो कौन से टाइमिंग की कैंडल थी और उसका निफ्टी के साथ कैसे सिंक हो गया था वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 13:40 की कैंडल है वो, ये 15 मिनट पे आपको एक कैंडल दिखेगा सेम हैमर कैंडल है उसी टाइप का जैसे यहाँ पे बना था। ये भी 15 मिनट का कैंडल है और ये भी 15 मिनट का है। हमने यहाँ पे ऐसे लगा के यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, जब ऊपर से मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास घूम के यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया था तब, और बाद में का मुंह आपने तो देखा ही होगा, ठीक है। इसे निफ्टी में देखते हैं कैसा निफ्टी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ये देखिए, हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था एक बार दो बार, अगर तीन बार इसको ब्रेक कर दे तो ये हम रॉन्ग पकड़ लेंगे, इसको फेल ब्रेकआउट फेल पकड़ेंगे। लेकिन क्या करा मार्केट ने, एक बार दो बार तीन बार रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे चौथी बार रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, यहाँ पे चौथी बार रेजिस्टेंस लिया और इसको जब ब्रेक कर रहा था तो हम इस कैंडल पे जब ये कैंडल जब बन रही थी तब यहाँ पे हमने बैंक में पोजीशन बनाई थी। निफ्टी इसके नीचे बहुत आ गया लेकिन यहाँ पे बैंक नीचे नहीं आई है। ये देखिए, 5 मिनट में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बैंक में पोजीशन ज्यादा गिरा नहीं क्योंकि बैंक कल से स्ट्रांग मूवमेंट दिखा रहा था। इस जगह पे निफ्टी यहाँ तक आई थी लेकिन बैंक यहाँ पे क्लोज हो गया। आज भी निफ्टी इस लेवल तक आया नीचे लेकिन ऊपर के ऊपर ही बैंक है। इसका मतलब क्या है, बैंक आज स्ट्रांग है तो बैंक नीचे आने का मूड नहीं है। तो इस पोजीशन का एसएल लगा के हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी कॉल की, कुछ इस तरह का मार्केट ने मूवमेंट दे दिया। ये तो कल की प्रिपरेशन थी, आज का प्रिपरेशन देखेंगे मार्केट के हिसाब से, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये 15 नवंबर का चार्ट है फ्रेंड्स, और आप देखिए यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ पे कैसा रेजिस्टेंस बनाया है। ओके, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बनाएंगे। ये देखो, जब मार्केट, हम कल सोच रहे थे कि ऐसा कुछ यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन जाए और मार्केट इसके नीचे से ऊपर तोड़ दे, लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर नीचे करके ऐसा जिगजग पोजीशन बना के मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन उससे पहले देखना चाहिए, एक दो तीन, ठीक है, और आज का ये चार, ये फिफ्थ टाइम ले गया है इसने ब्रेक, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था तो रेजिस्टेंस इसको आखिरी बार तो तोड़ना ही पड़ेगा। जब 4-5 बार से ज़्यादा रेजिस्टेंस बनता है किसी पॉइंट पे तो वो रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। इस हिसाब से हमने जब इस कैंडल को आगे जाने की कोशिश की थी, इसके ऊपर जब ये कैंडल बनाना स्टार्ट कर दी तो हमने इस ग्रीन वाले कैंडल पर हमने यहाँ पर पोजिशन बनाई, ठीक है। हमारे एसएल इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे था, ओके, तो हमने यहाँ पर कंप्लीट मो कैच करा था। हाँ, तो इसको सिंक कैसे करते हैं निफ्टी के साथ, ओके, निफ्टी के साथ इसको सिंक करेंगे। निफ्टी में देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी है और इसका टाइमिंग, वो कौन सी कैंडल है, ये 2:20 की, ये ग्रीन, बड़ी ग्रीन कैंडल, ओके, तो इसको भी देखेंगे 2:20 कहाँ पे है। वो देखिए यहाँ पे, जब वहाँ पे निफ्टी ब्रेक दे रहा था इस ट्रेंड लाइन को, ओके, ये रेजिस्टेंस है, इस ट्रेंड लाइन को जब निफ्टी ब्रेक दे रहा था तभी पोजीशन बनाई हमने बैंक में, कैसे, निफ्टी को सिंक करके। तो निफ्टी उस टाइम यहाँ पे था, निफ्टी में भले नीचे की मुंह आने दो
लेकिन बैंक में मूवमेंट नीचे का नहीं आया था। आज का डे पेशेंस का डे था, ठीक है। आज तो बड़े एसएल तो नहीं दिए मार्केट ने, लेकिन आज किसी ने भी पेशेंस रखा होगा तो मार्केट ने उसको फल दिया ही दिया है, ठीक है। कल भी मार्केट ने बड़ा मूव नहीं दिया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम साइडवेज बनाया। आज तो कंप्लीट ए जोन साइडवेज ही है, ओके। 200 पॉइंट में ही मार्केट पूरा दिन काट दिया। लेकिन जब ऐसा हो जाता है, जब किसी पॉइंट पे मार्केट कंप्लीट 2 बजे तक रह जाता है, तो इधर की साइड या नीचे की साइड मार्केट ब्रेक हो जाता है। उस हिसाब से हमने कॉन्फिडेंटली यहाँ पे पोजीशन बनाई थी और ये कंप्लीट मूव कैच करा था। उसमें हमने EMIS पोजिशन नहीं बनाई थी, क्योंकि हमें पोजिशन 330 के पहले काटना था और लॉन्ग टर्म एंड तक यहाँ पे होल्ड करना था, इसलिए हमने NRML में पोजीशन बनाए थे। हाँ, और आज को क्लियर कर दूँ, हमने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गए। कैरी फॉरवर्ड करने के दिन रहते हैं, कुछ अलग रहते हैं, उसके भी हम आगे डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे हमारे वीडियोस एक के बाद एक आते जाएंगे वैसे, ठीक है। हाँ, कल के लिए देखेंगे, कल है 16 तारीख, उसके लिए अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आ जाए, जब भी मार्केट ओपन ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, या यहाँ पर कहीं पे आपको मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए, मार्केट इस लाइन पे आने का ट्राई करे, तो हम यहाँ पे एक पोजीशन कॉल की बनाएंगे कल के दिन, ओके। और SL हमारा कहाँ पे रहेगा, ये हमारे लाइन SL रहेगी, इतने पॉइंट का हम SL देंगे और कॉल में बैठेंगे ऊपर की साइड। चलिए फ्रेंड्स, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।